शिवांशी लो। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हमारा क्रिसमस सेलिब्रेशन अधूरा रह गया था लास्ट व्लॉग में, तो अभी इस व्लॉग में मैं कंटिन्यू करूंगी हम लोगों ने किस तरह से क्रिसमस सेलिब्रेट किया, इतना इंजॉय किया, वो सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो फाइनली हम लोग अभी उस जगह पहुँच चुके हैं जहाँ पर हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो क्रिसमस पार्टी के साथ साथ यहाँ पे चोखा बाटी पार्टी भी है, और बाटी देखिए एकदम ट्रेडिशनल तरीके से बन रही है, और खाने में इन बाटियों का टेस्ट सच में बहुत अच्छा था। ये जो आप कुकवेयर देख रहे हैं ये स्पेशली बाटियों के लिए होता है, इसे क्या कहते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये देखिए हमारी शिवांशी कितनी पढ़ाकू हो गई है, वो जहाँ भी जाती है अपनी पढ़ाई की चीज़ें ढूंढी लेती है। शिवांशी को अभी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अभी यहाँ पे पढ़ाई कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग क्रिसमस की शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। प्लान कुछ ऐसा है कि हम लोग क्रिसमस ट्री देखने जा रहे हैं, अगर मिल जाता तो अच्छी बात है। तो इस देखते हैं, कोई सब्स्टिट्यूट तो ढूंढ ही लेंगे। This is my home. पता नहीं कौन रह रहा है। तो हमें एक ये शॉप मिली जहाँ पे हमें क्रिसमस ट्री मिला, मगर जैसा क्रिसमस ट्री हम लोग चाहते थे वैसा क्रिसमस ट्री हमें नहीं मिल पाया। फिलहाल यही हम लोगों ने डिसाइड किया, जो है उसी से काम चलाते हैं, और थोड़ा बहुत हम लोगों ने क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने के लिए सामान लिया। और जब हम घर पहुँचे तो चोखा बाटी रेडी हो चुकी थी, दीदी ने सारी तैयारियां आगे से ही करके रखी थी, तो फटाफट सारा काम हो गया। और जब हम लोग घर पहुंचे तो हम लोगों ने चोखा बाटी टेस्ट की। तो लंच करने के बाद में सबने ये क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने का काम किया, और जो लोग क्रिसमस ट्री नहीं डेकोरेट कर रहे थे वो लोग डांस पार्टी एंजॉय कर रहे थे। और हमारी गुड़िया रानी भी क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने में काफ़ी हेल्प कर रही थी, वो जितनी चॉकलेट रखी थी ना सबको टेस्ट करके देख रही थी। तो हम दोनों का मैच कर रहे हैं। वेल, सारी डेकोरेशन क्रिसमस ट्री की इस बच्ची ने की थी, इसका नाम सिद्धि है, और इस बच्ची ने भी एक डांस परफॉर्मेंस हम लोगों को करके दिखाया, बहुत अच्छा डांस कर रही थी। और ये हैं हमारी बुआ जी, इन्होंने भी एक काफ़ी पुराना सॉन्ग था उस पर डांस किया था, और मुझे बिलीव नहीं हो रहा था वो इतना अच्छा डांस कर सकती हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा डांस किया। और फाइनली क्रिसमस ट्री की डेकोरेशन कंप्लीट हो चुकी है। आई एम श्योर बहुत सुंदर लग रहा होगा आप लोग को भी, मुझे भी बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छे से सिद्धि ने क्रिसमस ट्री को डेकोरेट किया था। और यहाँ हमारी शिवांशी क्रिसमस ट्री से सारी चॉकलेट्स निकाल निकाल के खा रही थी।
आप लोग सोच रहे होंगे कि किसी ने भी कैप नहीं पहनी, सिर्फ मैंने कैप पहनी हुई थी। दरअसल हम लोग कैप लाना भूल गए थे और लकली एक कैप ही हमें मिल गई, तो ये कैप उसी को मिल। का पार्टी का हैंगओवर अभी खत्म नहीं हुआ है, वो अभी और पार्टी करना चाहती है। तो मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आप लोगों से पूछा था ना कि आपको मेरी वो टमी को कम करने वाली ड्रिंक के बारे में जानना है, आप चाहते हैं मैं वो रेसिपी दूं, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी मैं आपको दे देती हूं, क्योंकि एक बार मैं सुबह पीती हूं खाली पेट और रात में सोने से पहले। तो इसमें आपको सबसे पहले डालना है एक कप पानी, और ये थोड़ी सी अदरक है आधी इंच, थोड़ी सी सौंफ है, ये है अजवाइन, ये है जीरा, दालचीनी और थोड़ी सी हल्दी। तो ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले हैं, मैंने एक कप के हिसाब से डाले हैं, तो इन सबको मिक्स करने के बाद में आपको बॉईल होने के लिए छोड़ देना है। ये पानी जब तक आधा ना हो जाए तब तक आपको इसे बॉईल करते रहना है। अब मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच हनी। पानी जब बॉईल हो जाए उसे रूम टेम्परेचर पे आने दीजिएगा, गुनगुना होने दीजिएगा, तभी आप उसे कप में डालिएगा।
क्योंकि ज़्यादा गर्म पानी में हनी कभी भी नहीं मिलाया जाता है, वो एक समझ लीजिए जहर के बराबर है। तो कभी भी ज़्यादा गर्म पानी में आप हनी मत डालिएगा, जब वो गुनगुना हो जाए तब उसमें आप पानी डालिएगा और उसे मिक्स करके आप पी सकते हैं। देखिए, इस ड्रिंक से फैट तो कम होता है, टमी का फैट बहुत कम होता है, बट उसके बाद में आपको अपने डाइट पे भी कंट्रोल करना होगा। ऐसा नहीं कि आप ये ड्रिंक ले रहे हैं और आप फिर बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और ऐसे फास्ट फूड खा रहे हैं, तो ऐसे काम नहीं करेगा। थोड़ा आपको डाइट पे भी कंट्रोल करना होगा। तो मैंने इससे अपना बेली फैट बहुत रिड्यूस किया है, आप भी इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे ट्राई करके बताइएगा कि आपने कितना बेली फैट लूज़ किया। Thank you so much for watching. Bye bye and take care, and do like, share and subscribe.